गाइज अभी आप देख रहे हैं बजाज की डोमिनोर 400 का लेटेस्ट 2024 मॉडल का अरोरा ग्रीन कलर वेरिएंट, जिसमें आपको फैक्ट्री फिटेड टूरिंग एसेसरीज देखने को मिलने वाली है। और कलर वेरिएंट की बात करें तो दो कलर वेरिएंट आपको डोमिनोर 400 में मिलते हैं, जो कि पहला आप अरोरा ग्रीन कलर वेरिएंट स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और यहाँ साइड में आप देख पा रहे होंगे इसका चारकोल ब्लैक कलर वेरिएंट। दो कलर वेरिएंट में आपको ये बाइक मिलती है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल में देंगे, क्या कुछ नए अपडेट किए गए हैं कंपनी की तरफ से, प्राइस से लेकर फीचर्स सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आमोद कुमार, आप देख रहे हैं राइडर के भी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोनों कलर वेरिएंट में से आपको कौन सी पसंद आती है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर प्राइस की बात करें तो करंट में इसकी एक शोरूम प्राइस आपको 2,30,815 रुपीस, 2,30,815 रुपए एक शोरूम प्राइस मिलेगी प्रयागराज यूपी की। और कंप्लीट ऑन रोड प्राइस के लिए आप अपना बजट रख लीजिएगा 2,75,000 टू 2,80,000 रुपीस, 2,75,000 से 2,80,000 रुपए के बीच में कंप्लीट ऑन रोड प्राइस मिलेगी प्रयागराज यूपी की। अब इस प्राइस में आपको क्या चीजें मिलती है उस पर हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, हैंडल पे आपको मिल जाता है नेकल गार्ड, जो की स्पोर्टी लुक इसको प्रोवाइड करता है और ये फैक्ट्री फिटेड टूरिंग एसेसरीज के अंतर्गत आता है। तो ये आपको पहले से ही बाइक में इंस्टॉल देखने को मिलेगी, इसको आपको बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टूरिंग के टाइम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड देखने को मिल जाती है, जो कि काफी बड़े साइज में देखने को मिलेगी। ये लुक को भी काफी इनहेंस करता है और रेसिंग करते टाइम भी काफी अच्छा हेल्प प्रोवाइड करता है। स्पोर्टी इसमें आपको मिरर देखने को मिलते हैं, जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा इनहेंस करते हैं। जो इसके इंडिकेटर है वो आपको फायरिंग टाइप एलईडी विंकर्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें जितनी भी लाइट आपको मिलेगी सारी की सारी आपको एलईडी ही देखने को मिलती है। और मेन हेडलैम्प देखेंगे तो मेन हेडलैम्प भी आपको फुल एलईडी सपोर्टेड हेडलैम्प देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। और ट्रिपल पार्टीशन में इसके फुल एलईडी सेटअप देखने को मिलते हैं, जो कि फ्रंट से लुक भी काफी अच्छा प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ विजिबिलिटी भी काफी आपको अच्छी प्रोवाइड करते हैं। एलईडी डीआरएल लाइट भी इसमें आपको मिल जाता है, जो कि एएचओ सिस्टम पे बेस्ड है। फ्रंट का सस्पेंशन देखेंगे तो फ्रंट का सस्पेंशन आपको यहाँ पे यूएसडी फॉर्क देखने को मिलेगा, 43mm का यूएसडी फॉर्क देखने को मिल जाएगा, जिसमें 130mm का ट्रैवल भी देखने को मिल जाएगा। तो सस्पेंशन क्वालिटी नो डाउट काफी बेहतर रखी गई है। डायमंड कट अलॉय व्हील इसमें आपको मिल जाते हैं स्प्लिट टाइप के, जो कि काफी स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करते हैं। जो इसका फेंडर है उस पे आपको डुअल टोनिंग देखने को मिलेगी, ग्रीन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। फ्रंट का ब्रेक हमेशा की तरह डिस्क ब्रेक मिलेगा, 320mm डिस्क की साइज रखी गई है और डुअल एबीएस का सपोर्ट इसमें आपको मिलता है। तो नो डाउट ब्रेकिंग आपकी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ब्रेकिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और कंपनी दावा करती है कि डोमिनोर 400 में जो ब्रेक दिया गया है वो 100-0 की स्पीड को महज 43 मीटर में ही कवर कर लेती है। यानी 100 की स्पीड में है और आपको अचानक से ब्रेक लेना पड़े तो 43 मीटर में ही आपकी गाड़ी पूरी की पूरी जीरो पे आ जाएगी। तो ब्रेकिंग आपको काफी सुपीरियर क्वालिटी की देखने को मिलेगी। फ्रंट का जो टायर है 110/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा और ये रेडियल टायर है, जो की काफी अच्छे टायर्स माने जाते हैं। यहाँ पे जो अलॉय व्हील है वो आपको डायमंड कट टाइप का मिलता है, जो कि काफी स्पोर्टी लुक भी उसको प्रोवाइड करता है। जो इसका फ्रेम है वो आपको 2-spar पेरीमीटर फ्रेम देखने को मिलेगा, जो कि आपके हैंडलिंग पोजीशन को काफी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। और यहाँ इंजन पे देखेंगे तो इंजन के नीचे आपको यहाँ पे मेटल का इंजन गार्ड देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके नए अपडेट में भी आते हैं। तो यहाँ पे मेटल के इंजन गार्ड मिल जाते हैं, जो कि इंजन को काफी अच्छा सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको इसका जो लेग गार्ड है वो आपको टूरिंग लेग गार्ड देखने को मिलता है, जो कि बाइक को काफी अच्छी सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको रेडिएटर जैसा लुक भी देखने को मिल जाता है। अब स्विचिंग क्वालिटी देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंडल बार पे लो बीम, हाई बीम, पासिंग स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाएगा। स्विचिंग क्वालिटी काफी बेहतर है और ये बैक लाइट स्विचेस हैं, तो इसमें आप रोशनी जलती हुई देख पा रहे होंगे। ब्लैक कलर का सिंगल ट्यूबलर हैंडल बार इसमें आपको मिलेगा। राइट हैंडल बार पे इंजन किल ऑन ऑफ स्विच के साथ पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच और एलईडी डीआर लाइट ऑन ऑफ स्विच भी देखने को मिल जाएगा। सारी की सारी स्विचेस आपको बैक लाइट स्विचेस देखने को मिलती है। अब मीटर कंसोल देखेंगे तो यहाँ पे मीटर कंसोल आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। रिवर्स एलसीडी डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिलता है, जो कि डे टाइम में विजिबिलिटी भी काफी अच्छी प्रोवाइड करता है। और मीटर कंसोल फुली डिजिटल है, इसमें आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको रिफ्यूल का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। अगर साइड स्टैंड लगा रहेगा तो साइड स्टैंड डाउन का यहाँ पे आप देख लीजिए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहेगी। डायनेमिक किलोमीटर पर लीटर का भी
यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फुल डिजिटल मीटर कंसोल है जिसमें ओडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, वॉच डिस्टेंस टू एम्प्टी, एएफई, आईएफई, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो मीटर कंसोल काफी डिजिटल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो फ्रंट में ही आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिल जाता है, तो बाइक को राइड करते हुए भी मोबाइल फोन को आप आसानी से चार्ज कर पाते हैं। और इसका जो पोजीशन है वो काफी सही जगह पे रखा गया है, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। अब यहाँ टैंक पे देखेंगे तो टैंक पे आपको एक छोटा सा कंसोल और प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप अपना गियर पोजीशन इंडिकेटर, ओडोमीटर और टाइम देख पाते हैं। तो ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। दो दो मीटर कंसोल इसमें आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये काफी यूनिक लगता है। टैंक पे E20 की बैचिंग देख लीजिए, श्योर हो जाइएगा लेटेस्ट OBD2 मॉडल है, जिसमें एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल पड़ेगा, जिसे आप फ्लेक्स फ्यूल भी कह सकते हैं। और 13 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी रखी गई है, 13 लीटर तक आप इसमें फ्यूल फिलअप करवा पाएंगे। टैंक आपको ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा, जो कि काफी प्रीमियम लुक इसको प्रोवाइड करता है, काफी शाइनी लुक इसको प्रोवाइड करता है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे आपको पैड भी देखने को मिल जाएगा। टैंक काउल पे आपको डोमिनोर की ब्रांडिंग 3D एम्बर्ड क्रोम फिनिश के साथ ब्लैक आउटलाइन के साथ देखने को मिलेगी, जो कि काफी प्रीमियम लुक इसको प्रोवाइड करता है। कंप्लीट FI सिस्टम इसमें आपको मिलता है, तो फ्यूल इफिशियंसी भी आपकी काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। अगर इंजन की बात करें तो 373.3 सीसी का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 4-वाल्व लिक्विड कूल ट्रिपल स्पार्क FI BS6 फेस 2 कंप्लायंट DTSI इंजन देखने को मिलता है। तो लिक्विड कूलिंग है, तो इंजन के हीटिंग की प्रॉब्लम काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और BS6 फेस 2 इंजन है, तो इंजन आपको काफी रिडिफाइन मिलेगा, इंजन काफी स्मूथ मिलेगा, इंजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। 40 PS की मैक्स पावर जनरेट करता है 8800 RPM पे, और 35 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क मिल जाएगा 6500 RPM पे। पावर और टॉर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इनिशियल टॉर्क किसी तरह से लैग नहीं करता है, परफॉर्मेंस काफी बेहतर आपको मिलती है। एडिशनल फीचर में इसमें आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी मिल जाता है, तो डाउन शिफ्टिंग करते टाइम आपको झटके नहीं महसूस होते हैं। ट्रांसमिशन में 6 गियर आपको मिल जाएंगे, और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सिस्टम भी मिल जाता है। स्प्लिट सीट इसमें आपको मिलती है, राइडर के लिए सीट कंफर्ट काफी बेहतर है। पिलियन राइडर की भी सीट आपको काफी कंफर्टेबल देखने को मिलेगी, सीट काफी कंफर्टेबल रखी गई है, और इस बाइक को खासकर टूरिंग पर्पस से ही डिजाइन किया गया है। सीट काउल पे डोमिनोर 400 की ब्रांडिंग आपको 3D एम्बर्ड में मिल जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रैब व्हील मिलता है, जिसमें आपको इनबिल्ट प्लेटफॉर्म टाइप कैरियर भी मिल जाता है ब्लैक कलर का, जो कि काफी ज्यादा ऑसम लुक इसको प्रोवाइड करता है, और आप इसमें कोई भी सामान आसानी से कैरी कर पाते हैं। साड़ी गार्ड इसमें आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगा। रियर सेक्शन का जो टेल लाइट है वो आपको रेगुलर डिजाइन का फुल LED सेटअप में टेल लाइट मिल जाएगी, और रियर के इंडिकेटर भी आपको फुल LED सपोर्टेड मिलते हैं। नंबर प्लेट के ऊपर भी आपको एक LED लाइट देखने को मिलती है, सारी की सारी लाइटें आपको LED ही देखने को मिलेगी। जो रियर सेक्शन का ब्रेक है उसमें आपको 230mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, और इसमें भी आपको ABS का सपोर्ट मिलेगा, डुअल ABS का सपोर्ट है, नो डाउट ब्रेकिंग काफी बेहतर है। 150x60 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर रियर में आपको मिल जाएगा, तो रियर के टायर की चौड़ाई काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। डायमंड कट टाइप स्प्लिट अलॉय व्हील इसमें भी आपको मिल जाते हैं। रियर का सस्पेंशन आपको मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोसॉक्स विथ नाइट्रॉक्स सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जिसे आप एडजस्ट भी करवा पाएंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार, और इसमें आपको 110mm का व्हील ट्रेवल भी देखने को मिलेगा। सस्पेंशन क्वालिटी काफी बेहतर है। यहाँ पे आपको ट्विन बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी स्पोर्टी लुक इसको प्रोवाइड करता है, और उसके साथ ही स्पोर्टी ट्यूनिंग भी इसको प्रोवाइड करता है। अदरवाइज इसमें आपको कोई नया अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, डायमेंशन में भी कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। तो कैसी लगी बाइक और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।